नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पी के सरकारी योजना पर। दोस्तों, विकलांग पेंशन 1500 रुपये यानी विकलांग भाई को मिलेगी 1500 रुपये प्रति माह पेंशन। दोस्तों, पेंशन में एक काम कराना आवश्यक कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपने EKYC करवा रखी है अपनी पेंशन की तो आपके 1500 रुपये इसी महीने या अगले महीने आ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि विभिन्न श्रेणी के निराश्रित दिव्यांग व्यक्तियों को निम्न मानकों एवं दरों के अनुसार भरण पोषण अनुदान किया जाता है। अभ्यर्थी की दिव्यांगता कम से कम 40% होने पर प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सालय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है। वो लाभार्थी की आय को कोई साधन न हो अथवा BPL चयनित परिवार से संबंधित हो अथवा मासिक आमदनी 4000 तक हो। अभ्यर्थी का पुत्र पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का है, किंतु गरीब की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो तो ऐसे अभ्यर्थी भरण पोषण अनुदान के पात्र होंगे। दोस्तों, उसमें बताया गया है कि जिसकी पेंशन या कोई जो अपनी पेंशन बनवाना चाहता हो तो उसकी उम्र 18 या 20 साल से ऊपर होनी चाहिए। वही महीने में 4000 रुपये तक उसकी आय हो यानी 4000 रुपये मंथ कमाता हो। दोस्तों, दिव्यांग पेंशन रुपये 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। कुष्ठ रोग से मुक्त दिव्यांग को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। दोस्तों, 0 से 18 वर्ष तक की आयु से दिव्यांग बच्चे के अभिभावकों को 700 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता है। मानसिक रूप से दिव्यांगता पत्नी पति को 1500 रुपये की मानसिक पेंशन दी जाती है। दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना अंतर्गत गरीब की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 59 वर्ष तक आयु के 80% दिव्यांगता अथवा बहुदिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को कुल 1500 रुपये प्रति माह, जिनमें 1200 रुपये राज्य सरकार तथा और 300 रुपये भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, इस योजना में निराश्रित दिव्यांग और पाने के पात्र व्यक्तियों में से ही BPL चयनित परिवारों के 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के 80% दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को इस योजना से आच्छादित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों 1500 रुपये सरकार दे रही है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 1200 रुपये और केंद्र सरकार द्वारा 300 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना में लाभ लेने के लिए दिनांक 21/4/22 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 1500 रुपये मानसिक पेंशन प्रदान की जाती है। दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक अपनी पेंशन नहीं बनवाई है तो जल्द से जल्द बनवाए, इसमें आपको 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अगर दोस्तों और कोई आपके परिवार में हो तो उनकी भी अवश्य बनवाए। दोस्तों, अगर आपको किसी समस्या का समाधान चाहिए तो आप हमें कमेंट कर कर बताएं, हम आपका समाधान अवश्य बताएंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।